Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Editorial Analysis covering 13th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे जो कि हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. इन दिस वीडियो विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर्स डिलिमिटेशन. जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन कमीशन थी उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं उनको समझेंगे. व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद इट दैट विल सी. व्हाट आर चैलेंजेस अबाउट इट. विल ऑल्सो नो अबाउट व्हाट इज़ डिलिमिटेशन कमीशन, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शंस एज वेल. दिस एंटायर टॉपिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू कैन रिलेट दिस विद योर पॉलिटी सब्जेक्ट. After this topic, we will understand how minorities are determined in India and we'll know about the minority status, what are the associated bodies with it, what are different safeguards that are provided in the constitution, and who decides on this question that who is the minority or who is not the minority, and some of the important related court judgments as well we are going to discuss in this particular article also. Again, this article is important from GS paper 2 point of view because this again relates back to polity. After that, we have an article which is an important article if you talk about the health perspective. It's about the India's Hypertension Control Initiative. We will understand what is this India's Hypertension Control Initiative, the silent features of it, functions, what is hypertension, हाइपरटेंशन का इंडिया में ट्रेंड क्या है. सो दीज आर दी थ्री टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल. इट इज़ अबाउट जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन. द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज विद डिलिमिटेशन ओवर अ लुक एट द स्लेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो इन दिस आर्टिकल इज रिटन बाय राधा कुमार. And from this article, we will, the relevance is, the objectives are to understand what are the various recommendations of the Delimitation Commission, what are the issues and challenges, and then for our prelims point of view and for our basics, if they're concerned, we will understand what is Delimitation Commission, its constituents and functions. So let's begin with it. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए इस डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप क्यों किया गया था. सी, डिलिमिटेशन इम्पॉर्टेंट हो गई थी, नेसेसरी हो गई थी, स्पेशली व्हेन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली. 2019 का जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इससे जो असेंबली सीट्स थी वो बढ़ा दी गई. तो अब जब सीट्स बढ़ा दी गई हैं तो दोबारा डिलिमिटेशन होना ज़रूरी हो गया था. इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की 111 सीट्स थी, जिनमें से 46 सीट्स कश्मीर के पास थी, 37 फॉर जम्मू एंड 4 इन लद्दाख, एंड प्लस देर वर 24 सीट्स विच वर रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. एंड जो अर्सफाइल स्टेट थी, द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे डिलिमिटेशन जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होता है, दैट वाज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ दैट असेंबली सीट्स वाज कैरीड आउट बाय द देन स्टेट गवर्नमेंट. तो जब असेंबली सीट्स की बात आती थी तो जो डिलिमिटेशन होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर की थी वो कवर करते थे. दिस इज़ हाउ इट यूज टू गो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेगा के हिसाब से होगी, और असेंबली के लिए, असेंबली सीट्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली किया जाएगा. एंड दिस वाज डन अंडर जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957. लेकिन एज वी ऑल नो, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो एब्रोगेट कर दिया गया. तो जिसके बाद अब चाहे असेंबली सीट्स की बात हो या फिर पार्लियामेंट्री सीट्स की बात हो, इसकी डिलिमिटेशन किसका रोल किसके पास आ गया है, कौन गवर्न करेगा, दिस विल बी गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देयरफोर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाया गया, एंड आफ्टर दिस डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया ऑन 6th मार्च 2020. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस.
And this delimitation commission was, you know, headed by a retired Supreme Court judge, Justice Ranjana Prakash Desai. And it has a chief election commissioner and Jammu and Kashmir's chief electoral office as members, and Jammu and Kashmir's 5 MPs as the associate members. अच्छा जी, अब हमें समझ में आ गया कि delimitation की ज़रूरत क्यों थी. अब delimitation के बाद क्या क्या changes किए गए हैं, क्या क्या changes recommend किए गए हैं. Now delimitation के बाद अब जो legislative assembly है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो delimitation commission ने 7 assembly seats increase कर दी. So they increased the seats by 7. और ये 7 में there are 6 in जम्मू एंड 1 इन कश्मीर. तो इसका मतलब जम्मू की अब टोटल सीट्स हो चुकी हैं 43 और कश्मीर की टोटल सीट्स हो चुकी हैं 47. एंड इसी के साथ साथ जो स्ट्रक्चर था असेंबली सीट्स का, उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं. लोकसभा की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ ट्रू फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट लोकसभा, सो देर आर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द रीजन. There are 5 parliamentary constituencies. Delimitation Commission ने जम्मू एंड कश्मीर को as a single UT माना है. And इसके बाद जो commission है, उन्होंने जो boundaries हैं कुछ constituencies की boundaries redraw की हैं. जैसे कि अनंतनाग की boundary redraw की गई है, जम्मू की जो सीट है उसकी boundary redraw की गई है. जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल region है, it comprises पूंछ and राजौरी districts. And they were formerly part of, you know, Jammu's parliamentary seat, but now they are added into Anantnag seat in Kashmir. तो ये कुछ जो पूंछ और राजौरी वाले जो areas हैं, ये पहले जम्मू की seat में आते थे, लेकिन अब इनको अनंतनाग के seat में डाला गया है in Kashmir. Also, there's a Shia-dominated region of Srinagar. वहाँ पे parliamentary constituency ने इसे बारामूला constituency में transfer किया है. तो कुछ इस तरह के changes वहाँ पे किए गए हैं. For Loksabha, talking about Kashmiri Pandits, so the commission has recommended the provision of at least 2 members from the community of Kashmiri migrants or Kashmiri Hindus in the legislative assembly. So 2 members ka provision rakha gaya hai, there would be at least 2 members belonging to the community of Kashmiri migrants. And it has also recommended that Center should also consider giving representation in Jammu and Kashmir's legislative assembly to the displaced persons from Pakistan-occupied Kashmir who migrated to Jammu after partition. And then there is also changes done with respect to scheduled tribes. Up total jo 9 seats hain, wo reserve rakhi gayi hain for the scheduled tribe. Ye first time hua hai. Ab do questions solve ho gaye. कि डीलिमिटेशन की ज़रूरत क्यों थी और डीलिमिटेशन से हुआ क्या. अब ये समझना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों रही है, यू नो व्हाई दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन सो कंट्रोवर्शियल. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज हैं, दे वर बीइंग रीड्रॉन ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन द डीलिमिटेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन फ्रोजन अंटिल 2026. ये एक इशू है. आप जब पॉलिटी में डीलिमिटेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, यू अंडरस्टैंड, यू रीड दिस, कि अभी बाकी सारी कंट्री के लिए जो लिमिट डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया है टिल 2026 तक बाउंड्रीज से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. जो डीलिमिटेशन ने पहले बाउंड्रीज लिमिट कर दी वो 2026 तक चलेंगी. लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर की डीलिमिटेशन हो रही थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में कहीं पर भी डीलिमिटेशन नहीं हो रही थी. तो भाई जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन क्यों करवा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, दैट वाज इन 1995, और 2002 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंड कर दिया, एंड दे सेड कि दे विल आल्सो फ्रीज द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज अंटिल 2026 एज इट इज़ हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. But this was challenged in Jammu and Kashmir High Court and then Supreme Court, and both of which upheld this freeze. कि ठीक है, 2026 तक बाकी जो states हैं उनकी भी limits जो हैं वो freeze कर दी गई हैं, तो Jammu and Kashmir की भी हो गई हैं. But जो delimitation है, this is carried out on the basis of census of, you know, population के basis पे किया जाता है.
And the commission said it would undertake two other factors as well, including the size, remoteness and closeness to the border. ये चीज़ें भी consider की जाएंगी. वैसे हमेशा population consider किया जाता है कि population के साथ साथ size, remoteness और closeness कितनी है border के साथ, इसे भी यहाँ पे include किया जाएगा. तो अब ये जो changes हुए हैं assembly में, तो इसका मतलब क्या है? See, अब ये जो delimitation है, this is done on the basis of 2011 census. And now the changes mean that 44% of the population of Jammu will vote in 48% of the seat, whereas 56% of those who are living in Kashmir will vote in the remaining 52% of the seats. तो ये तो recommendations थी जो decision delimitation commission ने लिया है for Jammu and Kashmir. So यहाँ से हमें समझ में भी आ गया होगा कि what is delimitation. तो basically हमारी जो territorial constituencies हैं, अभी जब भी elections होते हैं तो हम constituency की बात करते हैं, तो जो territorial constituencies हैं उनकी boundaries को limit करना, चाहे fix करना, redraw करना, तो boundary तय करना, this is called as delimitation. तो country में territorial boundaries को limit करने के लिए we call this exercise as delimitation. And this is done as per the election commission. Delimitation exercise जो है ये एक independent high powered panel के through किया जाता है, जिससे हम कहते हैं delimitation commission. और ये इतना highly powered panel है कि इस delimitation commissions के जो orders होते हैं they have the force of law and they cannot be questioned in any court. Always remember this. The Delimitation Commission's orders have the force of law and they cannot be questioned by any court. So this exercise has to be carried out over the years. ताकि अब देखो आप जो पॉलिटी पढ़ते हो तो हम क्या देखते हैं कि there is proportional representation, equal representation. तो ताकि जो constituency का जो area है और जो population वहाँ पर है उनके बीच में एक वो बना रहे, match बना रहे, इक्वालिटी बनी रहे. ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन बढ़ गई है लेकिन एरिया वही स्मॉल है, तो अब ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा. सो दैट इज़ बाय बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसस जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिडिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज. सो एक तो ये हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको तय किया जाता है. सेकेंड, इस प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना पड़ेगा. अगर लग रहा है कि अब जो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन है वो कम है तो हो सकता है कि जो सीट्स हैं वो कम भी हो जाएं. तो मतलब कहने का ये है कि चेंजेस जो नंबर ऑफ सीट्स में होते हैं वो भी यहाँ पे अलाउड हैं. एंड इस एक्सरसाइज में इवन SC ST को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन भी दी जा सकती है, जैसा कि अभी हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में दी गई है. सो द की एम ऑफ दिस एंटायर थिंग इज़ टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है इसकी फेयर डिवीजन हो सके, एंड सो दैट ऑल द पोलिटिकल पार्टीज, ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस, दे हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द वोट्स. ऐसा नहीं कि एक एरिया में वोट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक एरिया में वोट्स कम हैं. प्रोपोर्शनेट रहे, इसके लिए ये डिलिमिटेशन कैरी आउट किया जाता है. देन दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो आपको डिलिमिटेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो भी क्लियर होना चाहिए. तो सबसे पहले याद रखिएगा आर्टिकल 82. अंडर दिस आर्टिकल द पार्लियामेंट एनैक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, हर एक सेंसस के बाद, क्योंकि पॉपुलेशन का पिक्चर क्लियर होगा तो पार्लियामेंट दे कैन एनैक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट. एंड सिमिलरली अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस. जैसे ही एक्ट इन फोर्स आता है यूनियन गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर आर्टिकल 82. एंड दिस बॉडी
विल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन. सबसे पहले जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थी दैट वॉज कैरिड आउट बाय द प्रेजिडेंट विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन कमीशन. अभी तो पार्लियामेंट का रोल है ना, लेकिन जो फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी दैट वॉज कैरिड आउट बाय द प्रेजिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन इन 1950 एंड 51 एंड देन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 1952. फिर एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन 4 टाइम सेटअप की गई हैं, 1952, 1963, 1973 एंड 2002. एंड जिसके बाद अब जो फ्रीजिंग कर दी गई है बाउंड्रीज की टिल 2026. देर वर नो डिलिमिटेशन आफ्टर 1981 और 1999 सेंसस. इसके बाद डिलिमिटेशन नहीं की गई है. अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो इज दैट हु इज इंक्लूडेड इन दिस डिलिमिटेशन कमीशन. तो याद रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं एंड दिस वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड दिस यू कैन सी व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन. सो दे वुड बी द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, दे वुड बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देन दे वुड बी द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट. ये कॉम्पोजिशन हमारे डिलिमिटेशन कमीशन की है. हमारे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 2012 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था विच वॉज बेस्ड ऑन डिलिमिटेशन कमीशन. तो आप आज अपना जो टॉपिक है उसे रिवाइज करेंगे. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिलिमिटेशन कमीशन, इसका मतलब क्या है, कौन सा आर्टिकल इसे कवर करता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है और जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया. So this topic is in news because even recently Union government has told Supreme Court that state governments can now grant minority status to any religious and linguistic communities including Hindus. And Supreme Court has sought the Union government's response in a plea that basically is about the directions for framing the guidelines identifying minorities at state level. तो एक चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर करनी है कि जो एक्सप्रेशन है माइनॉरिटीज़, ये हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कुछ आर्टिकल्स में अपीयर होता है, बट माइनॉरिटीज़ एज सच इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच इसे डिफाइन नहीं किया गया है, हालांकि बहुत सारे आर्टिकल्स में जो माइनॉरिटीज़ जो टर्म है इसे यूज़ किया गया है. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से. मेंस की रेलेवेंस अगर हम देखें तो वी शुड नो दैट हाउ माइनॉरिटीज़ आर डिटरमाइंड इन इंडिया, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू दिस, वो हम सब यहाँ पे कवर करेंगे. प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट 1992, आर्टिकल 29 से कैसे रिलेट करना है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350B. So these things are important from prelims point of view. So इस question को, इस article को elaborate करते हैं. सबसे पहले समझेंगे कि ये पूरा case क्या है and then इसके ऊपर government का stand क्या रहा है, what are the constitutional provisions and who are the minorities which are notified by the government of India. So if we talk about the case first, कि ये पूरा का पूरा case क्या है, तो एक plea जिसके अंदर ये कहा गया दैट हिंदूज़ आर इन माइनॉरिटी इन 6 स्टेट्स, कि इंडिया में देर आर 6 स्टेट्स जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ में हैं एंड देर आर 3 यूटीज़ जहाँ पे हिंदूज़ माइनॉरिटीज़ में प्रेजेंट हैं, बट दे वर एलिजली नॉट एबल टू अवेल देमसेल्फ द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विच आर मेंट फॉर माइनॉरिटीज़, कि उनको माइनॉरिटीज़ वाली जो स्कीम्स हैं वो अवेल वो नहीं कर पा रहे हैं. एंड इस प्ली में 2011 का जो सेंसस है उसे शो किया गया एंड दे सेड दैट हिंदूज हैव बिकम माइनॉरिटी इन लक्षद्वीप, वहाँ पे 2.5% हिंदूज की पॉपुलेशन है, मिजोरम 2.75%, नागालैंड 8.75%, जम्मू मेघालय 11.53%, जम्मू एंड कश्मीर 28%, अरुणाचल प्रदेश 29%, मणिपुर 31% एंड पंजाब 38%.
कि 6 states और 3 UTs ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास जो हिंदूज हैं दे आर इन माइनॉरिटीज एंड देन दे शुड बी गिवन माइनॉरिटी स्टेटस इन दीज स्टेट्स. एंड ये डिमांड किसके बेसिस पे आ रही है, बिकॉज 2002 में एक TMA पाई फाउंडेशन एंड 2005 बाली पाटिल केस रूलिंग के अकॉर्डिंग जो ये पर्टिकुलर स्टेट्स हैं यहाँ पे हिंदूज़ को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए. तो ये दोनों केसेस समझते हैं कि ये प्रिंसिपल्स विच आर टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटीज़ ये इन जजमेंट्स में इन केसेस में कैसे आए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो सबसे पहले TMA पाई केस की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ़ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 30, सी आर्टिकल 30 किसे डील करता है? आर्टिकल 30 इट डील्स विद राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज. तो TMA पाई केस में ये कह दिया गया कि आर्टिकल 30 जो कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज से डील करता है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं इनको स्टेट वाइज कंसिडर करना होगा. फिर आता है बाल पाटिल केस. बाल पाटिल केस में देखो TMA पाई केस आया 2002 में, बाल पाटिल केस आया 2005 में एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में TMA पाई रूलिंग को ही रेफ़र किया और कहा कि जो लीगल पोजीशन है वो क्लैरिफाई करती है दैट द यूनिट ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टेटस फॉर बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी वुड बी स्टेट. कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन कौन हैं ये कौन डिसाइड करेगी, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट. एंड देन कम्स द पिटिशन. इस पिटिशन में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 जिससे कि इसे क्लेम किया दैट दिस इज अनब्रिडल्ड पावर टू द सेंटर एंड इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी इरेशनल एंड ऑफेंडिंग. बेसिकली इस एक्ट में जो पावर थी वो सेंटर को दे दी गई कि सेंटर विल आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया. तो इससे पहले TMA पाई केस या फिर बाल पाटिल केस में तो पावर स्टेट के पास दी गई थी, लेकिन फिर ये जो एक्ट आया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, इसके सेक्शन 2 एंड क्लॉज 4 में जो पावर थी वो सेंटर को दे दी गई कि सेंटर विल आइडेंटिफाई दी एंड नोटिफाई दी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन दी स्टेट्स इंडिया. तो इस पिटिशन में इसको क्लेम किया गया, इसको चैलेंज किया गया. अब इसे लेकर अगर हम सेंटर का स्टैंड देखें तो सेंटर ने यही कहा कि जो पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट है ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि द स्टेट्स कैन ऑल्सो सर्टिफाई इंस्टीट्यूशंस एज बीइंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एज पर द रूल्स ऑफ द सेट स्टेट. कि स्टेट्स भी कर सकती हैं, दे कैन ऑल्सो सर्टिफाई द इंस्टीट्यूशन कि कोई भी अगर उनको इंस्टीट्यूट लगती है कि दिस इज़ फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज़ के लिए है तो स्टेट्स भी सर्टिफाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पर सेंटर ने पॉइंट आउट किया कि महाराष्ट्र ने यू नो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि वहाँ पे ज्यूज़ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पे हैं 2016 में ज्यूज़ को एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाई किया. कर्नाटका ने उर्दू तेलुगु तमिल मलयालम मराठी तुलु लमानी हिंदी कोंकणी गुजराती इन सबको माइनॉरिटी लैंग्वेज के तौर पे यू नो नोटिफाई किया. तो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर है they have the concurrent power to enact law to provide protection of minorities and their interest. ki ye concurrent powers hain and center or state minorities ke interest mein they can enact their laws. now the matters you know like declaring the followers of judaism bahaism hinduism who are minority in ladakh mizoram lakshadweep kashmir nagaland meghalaya arunachal pradesh assam you know punjab and manipur. अब बैटर ये है कि क्या ये जो माइनॉरिटीज़ हैं दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस इन द सेट स्टेट एंड लेक डाउन द गाइडलाइंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी एट द स्टेट लेवल मे बी कंसिडर्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स. एंड यहाँ पे अगर हम TMA पाई रूलिंग भी देखें सो दैट ऑल्सो रिवील्स दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो वेयर इरोडेड द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट to notify the community as minority.
कि टीएमए केस में भी जो रूलिंग है उसमें कहा गया कि स्टेट नोटिफाई करेगी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी. एंड पावर यू नो द पार्लियामेंट वॉज इन एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एंट्री हम 20 देखें तो इट सेज इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग. दिस इज कॉन्करेंट लिस्ट. So to enact the laws which are going to promote and protect the interest of the minorities, so parliament has the power. And parliament ki jo legislative competence hai, central government has an executive competence to notify a community as a minority under section 2C of National Commission for Minorities Act 1992. Ki center ke paas ye power hai. Then comes the question, who are the minorities which are notified by the government of India? तो ऐसी communities जो कि NCM Act 1992 के use से section 2 use करके जिनको notify किया गया है by the central government, now they are regarded as minority. 1992 में जब NCM Act को enact किया गया, so MC became the statutory body and it was renamed as NCM. तो 1993 में जो पहली स्टेट्यूटरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था, इस दौरान फाइव रिलीजियस कम्युनिटीज़ को मिनॉरिटीज़ नोटिफाई किया गया, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जोरो ऑस्ट्रियन आते हैं. 2014 में जैन्स को भी मिनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर ऐड किया गया. देन लास्टली इफ वी डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द मिनॉरिटी, तो फर्स्ट कम्स आर्टिकल 29. नाउ आर्टिकल 29 सेज व्हाट, दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स दैट आर रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैज डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. इससे बेसिकली रिलीजियस मिनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन मिलती है. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की स्कोप की अगर बात कहें तो इट इज़ नॉट नेसेसरली इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मिनॉरिटीज़ ओनली. यहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन्स कहा गया है, तो इसका मतलब इसमें माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों ही आते हैं. आफ्टर आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल 30 सेज दैट ऑल द माइनॉरिटीज़ शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की जो पावर है वो आर्टिकल 30 से आती है. लेकिन एक और चीज़ समझिए, आर्टिकल 30 में जो प्रोटेक्शन दी गई है, दिस इज़ गिवन ओनली टू दी माइनॉरिटीज़, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो. एंड ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स तक एक्सटेंड नहीं होती, जैसे कि आर्टिकल 29 में हो रहा था. गॉट इट? फिर आता है आर्टिकल 350B. सो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया. दिस प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड दिस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी क्या होगी? बेसिकली टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द सेफगार्ड एंड इट शुड प्रोवाइड यू नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ under the Constitution of India. So these are the three main constitutional provisions which deal with the minorities, Article 29, Article 30 and Article 350B. आगे बढ़ते हैं. हमारा next article India Hypertension Control Initiative के बारे में है. This is important from paper 2 point of view as it relates with health. इसकी दोनों ही तरफ relevance है अगर हम pre और mains की बात करें. प्री में आपको एज सच पता होना चाहिए कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव क्या है, और मेंस लेवल में हमारे पास टॉपिक आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन ऑन इंडिया. सो दिस वी शुड आल्सो नो अबाउट. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या, ये जो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, व्हाट इज़ दिस इनिशिएटिव. देन ऑल्सो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, वाई वी नीड सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव, एंड इस इनिशिएटिव से अभी तक हुआ क्या है, and how prevalent is the problem of hypertension. That is what we are going to discuss. So, India Hypertension Control Initiative, this is a project, and this project basically finds that nearly 23%
out of, you know, 2.1 million Indians, they have uncontrolled blood pressure. So Indian population mein 23% ko uncontrolled hypertension, uncontrolled blood pressure ki dikkat hai. Jiske baad important ho jata hai to know what is India Hypertension Control Initiative. So it basically recognizes that ki jo hypertension hai, ye ek serious aur ek growing health issue hai. एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी और ICMR, स्टेट गवर्नमेंट्स, WHO, ऑल ऑफ दीज टुगेदर हैज़ बिगेन दिस 5-year इनिशिएटिव जिसके अंदर हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा. दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2017. जो फर्स्ट ईयर था उसमें 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया इन 5 स्टेट्स ऑफ पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. एंड 2020 आते आते ये 52 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे यू नो एक्सपैंड किया गया अक्रॉस द 10 स्टेट्स. एंड इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल इंक्लूडेड है. यहाँ पे चल रहा है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव. सबसे पहले हाइपरटेंशन को अगर हम समझें तो ये बेसिकली क्या है कि अगर हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 140 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. मतलब हम कहते हैं ना कि नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, लेकिन हम हाइपरटेंशन कब कहेंगे? ये जो अपर लिमिट है इसे कहा जाता है सिस्टोलिक और ये जो लोअर लिमिट है इसे कहा जाता है डायस्टोलिक. एक सिस्टोलिक में हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं ये कंप्रेस होते हैं और डायस्टोलिक में ये एक्सपैंड होते हैं, डायलेट होते हैं. तो सिस्टोलिक में हम हाइपरटेंशन कंडीशन कब कहेंगे? जब 140 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से वैल्यू ज़्यादा आएगी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ज़्यादा आएगी. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. इस डेफिनेशन में ये भी अज्यूम किया जाता है दैट टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन विल लोअर द ब्लड प्रेशर. So why we need such kind of initiative? See, India is committed to 25/25 goal, yaad rakhiyega, which basically aims to reduce the premature mortality due to non-communicable diseases. Non-communicable diseases से जो mortality होती है उसे हमें reduce करना है by 25% and by 2025. इसे हम कह रहे हैं 25/25 goal. तो इंडिया को अगर ये टारगेट अचीव करना है, दिस टारगेट ऑफ 25%, तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ जो एडिशनल पीपल हैं दे विद हाइपरटेंशन, दे नीड टू गेट देयर बीपी अंडर कंट्रोल बाय 2025. एंड देन वी आल्सो नीड टू नो कि जो हमारा इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है अभी तक क्या फाइंडिंग्स आई हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी तो यही है दैट नियरली 1/4 ऑफ द पेशेंट्स हु आर अंडर दिस प्रोग्राम they had uncontrolled blood pressure and 27% did not return for the follow-up visit after the first quarter in 2021. तो इसका मतलब इन्होंने एक और चीज़ एस्टिमेट की कि इंडिया में इस वक्त 20 करोड़ अडल्ट हैं विच आर सफरिंग विद हाइपरटेंशन, बट दे वर इनफ वैलिडेटेड हाई क्वालिटी डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स इन सेवरल हेल्थ फैसिलिटीज़ एज वेल, जिससे जो हाइपरटेंशन की जो डायग्नोसिस है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं. लास्टली वी नीड टू नो हाउ प्रेविलेंट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन. तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. सो 1/4 ऑफ वीमेन एंड मेन हु आर एज्ड 40-49 ईयर्स दे हैव हाइपरटेंशन. जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर हाइपरटेंशन की प्रेविलेंस ज़्यादा है देन द नेशनल एवरेज. This is according to the latest National Family Health Survey. 21.3% of women and 24% of men who are above the age of 15, they have hypertension in our country. And the prevalence is highest in Kerala, for you know, jahan pe men ka rate 32.8% aata hai aur women 30.9% aata hai, those who have hypertension. एंड देन केरला इज फॉलोड बाय तेलंगाना, जहाँ पे जो प्रेवलेंस है वो मेन के लिए 31% है और वेमेन के लिए 26.1% है.
तो ये जो टॉपिक है, क्योंकि ये एक हाइपरटेंशन एज अ इम्पॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको मिल सकता है, आप यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. तो वैल्यू याद रखेंगे, अगर 140/90 से ऊपर हमारे पास ब्लड प्रेशर आ रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.